आज मैं जो खीर की रेसिपी लाई हूँ ये टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी है। ये आप व्रत में, गेस्ट आने पर, पार्टी में या बच्चों की छोटी भूख में 2 मिनट में बनाकर दे सकते हैं। दोनों ही खीर बहुत ही आसान भी है और विटामिन से भरपूर है। अगर आपको खीर की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बनाएंगे सेब का खीर। खीर बनाने के लिए मैंने एक पैन में लिया है 1 ग्लास के लगभग दूध। इसमें डालना है ड्राई फ्रूट्स, 2 स्पून नारियल और बाकी अपने पसंद के बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स डाल लें। दूध में एक उबाल आ जाए, फ्लेम को लो करें और 3-4 मिनट उसे उबलने दें। मखाना मैंने धो के रखा था। मिक्सी में कुछ काजू बादाम मखाना ग्राइंड कर लिया। अब एक सेब छील कर इसे कद्दूकस कर लूँगी। बहुत लोग कटे हुए ड्राई फ्रूट्स खीर में पसंद नहीं करते हैं तो आप मिक्सी में चला लें या फिर आप ऐसे ही डालें, मखाने को भी ग्राइंड ना करें। यहाँ मैंने कद्दूकस किया हुआ एप्पल और साथ में ग्राइंड किया हुआ मखाना और ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। अब एक पैन में बहुत ज़रा सा घी डाला है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें कद्दूकस किया हुआ सेब और मखाना डाला है। आप मखाना ग्राइंड ना करें तो ऐसे ही डाल सकते हैं। इसे लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। 1 मिनट में ये अच्छा भून गया है, इसे गैस पर से हटा देंगे। दूध में डाल रही हूँ 1 स्पून मिश्री पाउडर, साथ में इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर मैंने गर्म दूध में भिगो कर रखा था। अगर है तो डालिए वरना आप स्किप कर दीजिए। और अब साथ ही ये जो रोस्ट किया हुआ एप्पल और मखाना था इसे डाल दूंगी। सारी चीज़ों को मिक्स कर दें, गैस ऑफ कर दें और हमारा एप्पल खीर बनकर रेडी है। व्रत में मॉर्निंग में आप एक बोल इसे खा लें। फ्रूट, ड्राई फ्रूट, मिल्क, मखाना, हर चीज़ का फ़ायदा सिर्फ एक बोल में और पूरे दिन आपको एनर्जी भी रहेगी और टेस्ट बहुत ही लाजवाब। एक बार ज़रूर ट्राई करें। विटामिन ए से भरपूर गाजर, इसका खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और कलरफुल। सबसे पहले एक पैन में ले लें 1/2 ग्लास दूध। ये 1 पर्सन के लिए है। 1 गाजर छिल के कद्दूकस कर लें इसे भी। और इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना है तो मैं यहाँ 1/2 स्पून घी डाल रही हूँ। इसमें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स को लो फ्लेम पर आप फ्राई कर लें। मैं यहाँ थोड़े से बादाम और काजू ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स निकाल लिया है और बाकी बचे घी में कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल के मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसे 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। गाजर हमारा हो गया है। दूध को मैंने दूसरे साइड उबलने के लिए रख दिया था। दूध में एक उबाल आ गया है, अब इसे गाजर में ऐड करें। अच्छे से एक बार मिक्स कर दें और मीडियम फ्लेम पर ढककर 1-2 मिनट इसे पकने देंगे। गाजर को इस तरह हाथ से दबाकर चेक कर लें, गाजर पक गया है तो हमारा गाजर का खीर तो रेडी है। लेकिन इसके फ्लेवर को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ मैं थोड़ा सा नारियल और काजू, साथ में आवश्यकता अनुसार मिश्री ले लें। इसे मिक्सी में चला लिया है और इसे अब ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। इस खीर में काजू, नारियल और मिश्री का मिक्सचर है। ये मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है। सारी चीज़ों को कर लें अच्छे से मिक्स। गैस को ऑफ कर दें। अब गाजर की खीर को आप गर्म या ठंडा जैसे पसंद हो सर्व करें। इस तरह के आसान वीडियोज के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।